अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल ताबीज 786। आपकी खिदमत में आज फिर एक पावरफुल ताबीज लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस ताबीज को आप अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में दबा लें। आपका महबूब आपसे चाहे जितनी भी नफरत करता हो, वो आपसे मोहब्बत से बात करेगा और ख़ुद ही वो आपसे मुखातिब होगा और आपसे राब्ता करेगा इंशाल्लाह। बस आप मेरे बताए हुए अम्र को पूरा देखें, अच्छे से समझ लें, वीडियो को रोक रोक कर देखें और आखिर तक वीडियो देखें, तब ये अम्ल करें। आप सबको इस अम्ल की इजाज़त मेरी तरफ से है। बस आप वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी को प्रेस कर दें। कमेंट में अपना नाम लिख दें। जो अच्छा कमेंट करेगा, मैं उसका नाम और कमेंट आने वाली वीडियो में पढ़ूंगा इंशाल्लाह। आइए नक्श को भरने का तरीका जानते हैं, इसके बाद इसे इस्तेमाल का तरीका भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो चलिए नक्श को शुरू करते हैं। आप सबसे पहले 786 लिख लें, 786 लिख लें। 786 लिखने के बाद उसके नीचे आपको एक स्टार बना लेना है। इस तरीके से आपको एक स्टार बना लेना है। इस तरह से सबसे पहले आप यहाँ पर मीम भर दें। मीम भरने के बाद आपको यहाँ लिखना है अलिफ। अलिफ भरने के बाद यहाँ पर लिखना है दो चश्मे है। दो चश्मे है के बाद आपको यहाँ पर लिखना है स्वाद। स्वाद लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है तो लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है मीम। अब आपका ये नक्श तैयार हो गया। अब आपको करना क्या है, जब आपका नक्श भर जाए, जब आप नक्श भर चुके, तब इस नक्श पर पहले कोई एक दुरूद पाक पढ़ लें जो आपको याद हो। इसके बाद 21 मरतबा या बद्दहू पढ़ें, या बद्दहू, या बद्दहू, या बद्दहू पढ़ें। इसके बाद आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने पहले पढ़ी थी। पढ़ने के बाद इस नक्श पर फूंक मार दें, इस नक्श पर दम कर दें। इसके बाद अपने महबूब का ख्याल करते हुए अपने महबूब के दिल के पास दम कर दें, यानी उसके दिल के पास फूंक दें। ख्याल करते हुए फूंकना है। अब आपका अम्ल पूरा हो गया। अब आपको ये अम्ल ईशा की नमाज के बाद, जब भी आप ये अम्ल करें तो ईशा की नमाज के बाद करें। दिन जुमरात का रखें, जुमरात की रात में ईशा की नमाज के बाद ये अम्ल करें। आप इस नक्श को किसी भी पेन से लिख सकते हैं। आपका जायज़ मकसद होना चाहिए। आप जब भी अपने महबूब के सामने से निकलें तो इस नक्श को अपनी मुट्ठी में ज़ोर से दबा लें, इस तरह से पकड़कर, इस तरह से इसे मजबूत दबा लें, ज़ोर से दबा लें। और या बद्दहू का विर्द करते हुए उसके सामने से निकल जाएं। इंशाल्लाह 21 दिनों में आपका मकसद हल हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त के साथ।